नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रामपुर में पहली बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है, जहां बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, तो वहीं नाले में जल भराव के चलते कब्रिस्तान में भी पानी भर गया है, जिसके बाद कब्रिस्तान में दफन किए गए शव कब्र से बाहर निकलकर पानी में उतराते दिखे हैं। आपको बता दें कि गांधी समाधि स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बने कब्रिस्तान में पानी भर गया है, जिसके बाद दफनाए गए शव कब्र से बाहर आ गए हैं और पानी में उतराने लगे हैं। शवों को पानी में उतराता देख लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और नगर पालिका रामपुर के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि जल निगम ने नाले को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया है। जब जिम्मेदार अफसरों को फोन किया गया तो किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। वहीं इस मामले में नगर पालिका के ईओ इंदु कुमार ने बताया कि अचानक हुई बारिश के चलते ऐसा हुआ है। नाले को किसी अज्ञात तत्वों द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां पानी भर गया है। हमें जैसे ही सूचना मिली, हमने नाले को वापस खुलवा दिया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मैं संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तुषार, जिस प्रकार से रामपुर में इस वक्त नगर पालिका की एक घोर लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी अनुष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में पहली बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। कब्रिस्तान में नाले का पानी भरने से लाशें तैर रामपुर के गांधी समाधि स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के सामने का है, जहाँ कब्रिस्तान के सामने पानी भर गया। कब्रिस्तान अंदर पानी भर गया और पानी भरने के उपरांत ही वहां पर वहां की जो शव है वो कब्र से बाहर निकलते नजर आए। जब आसपास के लोगों ने देखा तो अचानक खबरत अभी मच गई। ठीक है, इसी जानकारी पर हमने जब ईओ से बात करना चाहा तो उन्होंने हमें ये बताया कि यह अचानक से हुई बारिश है, नाले में किसी अज्ञात तत्वों द्वारा हट्टी मतलब एक हट्टी होती है उसको लगाया गया था, जिसकी वजह से वहां पानी आ गया। हमें जैसे ही सूचना मिली, हट्टी नाले पर हटा दी गई। उम्मीद है आगे से ऐसा नहीं होगा। ये है, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां बारिश ने इस वक्त नगर पालिका की पोल खोल दी है। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य की प्रगति जानने के लिए एक के बाद एक नेताओं और अधिकारियों का दौरा हो रहा है। तमाम दौरे और निरीक्षणों को बारिश के पानी ने धराशाही कर दिया है। निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता भी सामने आ गई। दरअसल उकरौड़ा गाँव के पास हल्की बारिश के चलते 3 फीट के दायरे में सड़क धस गई। सड़क धसने के बाद उधर से गुजर रहे सपा नेता लालजीत यादव हैरत में पड़ गए और वहीं से एक वीडियो उन्होंने जारी किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो काम हो रहा है उसका परिणाम मिलना शुरू हो चुका है। लालजीत यादव ने बताया कि निर्माण की नए सिरे से जांच होनी चाहिए, जनता के पैसे का दुरुपयोग कतई स्वीकार नहीं है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि ऐसी जानकारी संज्ञान में हमें नहीं मिली है। आज हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऐसे ही चलते जा रहे थे पैदल, तब तक देखें हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बहुत बड़ी खाई टाइप का धस गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आज उसका हम लोग ये देखिए, ये भाजपा के लोग इतना मतलब उसमें भ्रष्टाचार किए हैं, योगी आदित्यनाथ इतना मतलब वो उसका उद्घाटन करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी भी बात नहीं हुई और वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां उत्सव भारत के साथ साथ दुनिया भर में अधिकांश देशों में 21 जून को मनाया जाएगा। इस बार योग दिवस की नई थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें के तहत मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 177 देशों ने भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि हर साल एक नई थीम के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। इस साल की थीम योग के साथ रहिए, घर पर रहिए तय की गई है, जबकि बीते वर्ष घर में रहकर योगा करें थीम रखी गई थी। गौरतलब है कि विश्व योग दिवस पर आधिकारिक नामांतरण योग दिवस है। भारत में पहला योग दिवस 2015 को ऐतिहासिक तरीके से मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के राजपथ पर मुख्य आयोजन किया गया था। वहीं 84 देशों के नागरिकों सहित रिकॉर्ड 35,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगा किया था। आजमगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। समय पर सड़कों की मरम्मत न होने की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है और लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है।
सड़क पर बने इन गड्ढों के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एसडीएम सदर वागेश शुक्ला ने बताया कि बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, इन गड्ढों को जल्द भरा जाएगा और सड़कों के मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। हमने जो भी नगर क्षेत्र में नगर पालिका की जो सड़कें हैं उनका वेरिफिकेशन कराया है, कौन सी रोड अच्छी स्थिति में और कौन सी खराब है, रिपेयर किया जाना है, उसमें कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी लिया है और हम सब लोगों ने कल निरीक्षण भी किया था कई सड़कों का। इसमें हमें जैसे कि एक चनिया मस्जिद से लेकर के आज़ाद पार्क तक एक रोड है वो काफ़ी टूटी हुई है, तो उसमें एक पार्ट का टेंडर होने जा रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है और दूसरा पार्ट जो है उसकी भी कार्ययोजना 4-5 दिन में कार्ययोजना पास हो जाएगी, उसको भी जो है। बुलंदशहर जिले की पुलिस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने सिपाही और होमगार्ड पर बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि सिपाही किसी घटना की जांच के लिए उसके घर पहुंचे थे, उस दौरान पीड़िता के पिता शराब के नशे में था, जिसका फायदा उठाकर सिपाही और होमगार्ड ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। ककोड़ थाने पर महिला के हंगामे की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी समेत तमाम आले अधिकारी कोतवाल पहुंच गए। महिला को अधिकारियों ने किसी तरह शांत कराया और मामले की जांच के आदेश दिए गए। कानपुर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने नाले के गंदे पानी में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि दादानगर वार्ड नंबर 2 में पिछले कई सालों से सड़क टूटी हुई है, लेकिन नगर निगम कोई भी ध्यान इस मामले में नहीं दे रहा है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक से कई बार शिकायत करने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता विकास अवस्थी ने कहा कि अगर नगर निगम ने जल्द सड़क का निर्माण नहीं करवाया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में बीते 7 जून को मिले शव के मामले में पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। मृतक का परिवार जानकीपुरम थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। आपको बता दें कि 7 जून को विवेक शर्मा नाम के युवक की लाश संदिग्ध स्थिति में मिली थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। परिजनों का आरोप है कि आकाश राठौर, शैंकी, रुस्तम, आदिल, आमिर नामक युवकों ने विवेक की हत्या की थी, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके साथ ही ये लोग परिवार को धमकी भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवार का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो लोग पलायन कर जाएंगे। कमिश्नर ऑफिस में इसलिए आए हूँ, मुझे मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, नामजद मैं लोगों को करा रहा हूँ, मुझे शक है वो लोग कोई कार्रवाई थाने वाले नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कमिश्नर के पास आया हूँ कि मुझे मामला ये हुआ था 7 तारीख को, मेरा भाई सुबह 7 तारीख को 8-9 बजे घर से निकला, उसके बाद रिटर्न नहीं आया। 9 तारीख को मुझे पब्लिक ऐप के रेफरेंस से मैंने अपने भाई को अज्ञात में देखा, उसके बाद मुझे पता चला, मैं थाने गया, उस पब्लिक ऐप से मैंने दिखाया कि ये ऐसा फला फला ये इंसान, तो उन्होंने कहा पोस्टमार्टम हाउस में वो आपके भाई की बॉडी पड़ी हुई है। फिर वहाँ से हम लोग पोस्टमार्टम करा के लाए तो बिजरा रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम, तो उसमें कहा कि गिरने से कोमा में चला गया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि बिजरा के लिए चली गए, बिजरा के लिए 7 से 10 दिन बोला था एसओ साहब ने, अभी तक की 10 से ज़्यादा दिन हो। एसओ साहब का कहना कल हम मतलब आप कुछ भी जाके करो, मतलब हम हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। थाने में आपने जानकीपुरम थाने में हमने FIR दी, वहाँ से जो है 2-3 दिन आसरा लगाते रहे कि मतलब उसके बाद में करते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 दिन बाद कहा कि बिसरा रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बिसरा रिपोर्ट आई नहीं तो उन्होंने। आजमगढ़ में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल है, साथ ही शहरी इलाकों में भी बारिश का पानी लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। शहर के मुख्य चौक स्थित वेस्ली इंटर कॉलेज परिसर में काफी पानी भर गया है, जिसकी वजह से कॉलेज के आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो कॉलेज बंद है और क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने COVID-19 के चलते इस मैदान में अस्थायी सब्जी मंडी बना रखी है। ऐसे में बारिश का पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके के कलेना गांव में दोस्तों के बीच हुई मामूली विवाद में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी।
दोस्त को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी अन्य 2 की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। थाना खुर्जा देहात के अंतर्गत ग्राम करैना से कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि संदीप पुत्र सत्येंद्र उम्र लगभग 29 वर्ष, इनके एक पड़ोसी के घर में गोली लगी है और इनके परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अस्पताल पर भी पहुंची, प्रकरण में छानबीन की और जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्रकाश में आई है वो ये है कि ये और इनके 2 और परिचित थे जो शराब आदि पीने के आदि थे। इनमें कल दिन में कुछ विवाद हुआ था, ये भी लोगों ने बताया कि रात्रि में ये अपने पड़ोसी कुलदीप के घर पहुंचे जो मृतक हैं तमंचा लेकर। रामपुर में प्री मॉनसून के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार पहाड़ों से हो रही मूसलाधार बारिश से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पहाड़ों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। रामपुर के लालपुर डैम पर कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कोसी नदी पर बना अस्थायी पुल भी प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है और आगामी समय में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिले भर में 36 बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। ये चौकियां लगातार नदी के बढ़ रहे जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जिले के उच्च स्तरीय विभाग में लगातार डैम पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। डैम का निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने बताया कि रामपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और प्रशासन को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। बीते शनिवार को रामनगर बैराज से लगभग 34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और लगातार बारिश भी हो रही है। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ गया है जिससे जानमान को नुकसान ना हो उसके लिए भी सभी SDM बाढ़ चौकी प्रभारियों और थाना प्रभारियों को सतर्क करने के निर्देश दे रहे हैं। जनपद रामपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और शासन की ओर सतर्कता का निर्देश दिया गया है। इसके क्रम में यहां जनपद में कुल 36 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। कल जो रामनगर बैराज से लगभग 34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और लगातार कल जो है भारी बारिश हुई है जिसमें जनपद में 75 MM के आसपास बारिश हुई है। 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से कहा गया है कि CM योगी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया है, सरकार ने आम लोगों से बड़े बड़े वादे किए लेकिन इन वादों का क्या हुआ। कोरोना महामारी के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। बता दें कि सफाई में हुए वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है, जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुँचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं हैं तो चेहरा ले आए, कोई भी नाम ले आए, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था वो सदस्यों का चुनाव चला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस का। देश में ज्यादातर राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, कई इलाकों में भारी बारिश भी शुरू हो चुकी है।
नगर निगम और नगर पालिका को बारिश से पहले सभी नाले और तालाबों की सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद लगातार कई जनपदों में सफाई कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जलभराव की समस्या न आए। लेकिन ताज नगरी आगरा में नगर निगम की कहराई क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर हर गली तालाब बनी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नालियों का पानी सड़कों पर निकलकर घरों में पहुंच रहा है, लेकिन आज तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी इन लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा है, जिसके बाद यहां की सड़कों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। समस्या ये है कि हमारे देखियो कैसे पानी भर रही है और क्या कहते वो मच्छर रह गए हैं तो बच्चा हमारे बीमार रह रहे हैं, हैं? हम किसको भी वोट दें जी बताओ, और प्रधान आ जाता वोट के लिए यहाँ। हाँ समस्या ये है, कम से कम यहाँ बारिश हो जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब ये इस समय इतना भरा हुआ पोखरा यहाँ के गांव की ओवरलोड हो गई है, पानी का कोई निकास नहीं है, कहीं पानी जा नहीं पा रहा यहाँ से। ठीक है प्रधान के पास। आजमगढ़ के जिला पंचायत चुनाव को लेकर विवाद बढ़ गया है। जिले में कुल 7 पर्चों की बिक्री हुई है। पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव जबरदस्त होगा, क्योंकि इस चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। सपा ने वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव को मैदान में उतारा है। बता दें कि आजमगढ़ में 84 जिला पंचायत सीटों में सपा के पास 26, बसपा के पास 17, भाजपा के पास 10, कांग्रेस के पास 1 सीट है। शेष 30 सीटें निर्दलियों के पास हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के भाग्य का फैसला करेंगे। आज जो है दो लोगों ने नामांकन पत्र क्रय किया गया है, जिसमें विजय यादव जो वार्ड संख्या 47 सेठवल से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा 3 सेक्टरों में नामांकन पत्र क्रय किया गया है। उनके जो नामांकन प्रति जो क्रय किए गए हैं उनके प्रतिनिधि श्री कन्हैया यादव द्वारा नामांकन पत्र क्रय किए गए हैं। साथ में जो है समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री राज बहादुर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी तस्वीर को लेकर भाजपा सांसद सतीश गौतम फिर से उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर कहा है कि एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजेंगे। बता दें कि सांसद भ्रष्टाचार विरोधी सेना सांसद के किए गए वायदे को याद दिलाने के लिए विद्यानगर स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान जिन्ना विरोध के उन्होंने नारे लगाए। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि मेरी भी मांग यही है कि एमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाए, लेकिन अभी जिस हाल में तस्वीर लगी है उसको छात्र संघ ने बंद करा रखा है। आगे फिर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जल्द ही तस्वीर को हटवाने का काम किया जाएगा। समस्या को लेकर के सांसद जी अपना वादा निभाएं, जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान पहुंचाएं, और आज सांसद जी ने इस बात का हमसे वादा भी किया है कि हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोशिश नहीं, हम ये चाहेंगे कि जिन्ना की तस्वीर हटे। अगर 30 जून 21 तक जिन्ना की तस्वीर नहीं हटती है तो हम 1 जुलाई 2021 को अपने कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दूंगा। शर्मा जी के द्वारा ये विषय उठाया है, ये सच्चाई है कि जिसने देश के टुकड़े करे हों उसको यहाँ इस देश में रहने की तस्वीर की अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार करा इस देश में। लेकिन धीरे धीरे समय आने पर बहुत जल्दी सब कुछ हट गया। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बन गई, एएमयू का जो एक विद्यालय था उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप रख दिया गया, तो सब कुछ हो रहा है तो जिन्ना की तस्वीर भी हटे। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और बंटवारे को लेकर युवक ने अपने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने के बाद युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर कार्यवाही में जुटी हुई है। इसी के साथ दो लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। देखिए रात्रि में चाचा और भतीजे आपस में शराब पीकर लड़ गए, और उसमें जैसा कि बताया गया है, लिखाया गया है कि भतीजों ने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम पंचायतों और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो रायबरेली में हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र में जमीन नापने के विवाद में पुलिस और ग्रामीणों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस और चकबंदी अधिकारियों पर पत्थर बरसाए। पथराव में पुलिसकर्मियों सहित कई महिलाएं घायल हुई। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद स्थित
स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी। घटना के बाद पुलिसकर्मी और बाकी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों ने बीजेपी एमएलसी दिनेश सिंह के भाई गणेश सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। आज हम लोग गुनावर कमंगरपुर में यहाँ पे चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में कुछ रोष था, जिसके संबंध में आज यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्रेंटेशन हुआ है उस टीम के और इनके मध्य में। तो यहाँ पर वार्ता करी गई है प्रधान और ग्रामीणों से। इनकी जो भी समस्याएं या क्वेरीज थी, जो शिकायतें थी, उनको प्राप्त किया गया है। उस पर नियम संगत रूप से विभागीय अधिकारी से कार्रवाई जाँच करवाई जाएगी और नियम संगत रूप से इसका निस्तारण कराया जाएगा। चकबंदी प्रक्रिया के आगे जो भी कार्यवाहियाँ होनी है वो ग्रामीणों को संज्ञानित कराते हुए ही कराई जाएगी। और अभी ये लोग शांत हैं और पूरा सहयोग करने। आज जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरचरपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गुनावर गाँव में। यहाँ बगैर किसी सूचना के चकबंदी अधिकारी जमीन नापने के लिए आए, जिसकी सूचना ना उन्होंने ग्रामीणों को दी और ना ग्राम प्रधान को दी। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण भी उग्र हो गए और पुलिस बल ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जिससे कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। क्या मामला है पूरा? हमारा ये मामला है कि हमारे यहाँ जो है चकबंदी बगैर बताए हो रही, और जल सैलाब इतना ज़्यादा है इस समय की, अगर चकबंदी कराई भी जा रही है, मान के चलो कोई सूचना भी हमको नहीं मिली है, ना प्रधान को मिली है और ना हमारे कोई सदस्य को मिली है, और ना जनता को भी पता है कि हमारे यहाँ चकबंदी नापने आएंगे। ये लोग जोर जबरदस्ती करवा रहे हैं चकबंदी। ये हमारे यहाँ के जो हरचंदपुर के ये सीओ ब्रजभान सिंह हैं, और गालियाँ भी हमको देते हैं, अभद्रता का प्रयोग करते हैं। आए दिन जहाँ किसी इधर उधर हम लोग निकलते हैं, तहाँ कहते हैं कि ज़्यादा दिन तुम्हारी प्रधानी चल नहीं पाएगी, और नेतागिरी करोगे तो हम देख लेंगे तुमको। और गालियाँ बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ हमको देते हैं। कितने लोग घायल हुए हैं पुलिस के हमले में? हमारे कितने लोग घायल हुए? 10-15 आदमी लमसम हमारे घायल हुए हैं। हम 10-15। कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? 8-10 महिलाएं हैं और 4-6 पुरुष हैं। किसके इशारे पर ये आज हुआ है? ये सीओ चकबंदी और गणेश सिंह के इशारे पर हो रहा है। ये वो चाहते हैं कि हमारी जो जमीन फ्रॉड किए हैं चकबंदी में, जो 5 लोगों के नाम पट्टा किए हैं, जब बंजर की भूमि की, अपने बाबा के नाम भी किए हैं, उनके बाबा का नाम जो चकबंदी प्रक्रिया में साहब जो थी डीएम साहब श्री जी ने शर्मा जी ने, उन्होंने लिखा था कि इसकी जांच करके जो है ई लाभार्थियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और इसको जो है दुरुस्त किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी नया कागज निकलाया गया तो वैसे ही चकबंदी पड़ी हुई है, चकबंदी में कोई सुधार नहीं हुआ। और अपने बाबा के नाम भी ये लमसम गुरु प्रसाद सिंह और गज्जू सिंह, ये जो है इन्हीं के बाबा हैं, दूसरे गांव के बावन बुजुर्ग बल्ला के रहने वाले हैं, उनके नाम भी हमारे ग्राम सभा में जमीन जो है पट्टा हुई है चकबंदी में। तहसील चकबंदी अधिकारियों की आज वजह से ग्राम गुनावर कुमंगलपुर में ग्रामीण और पुलिस का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं घायल हुई हैं। वही पुलिस बल अपनी सुरक्षा के लिए उसने बल प्रयोग किया। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट को दोनों तरफ से काफी ज्यादा बवाल किया गया। आपको बता दें कि मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए। एसीपी समेत कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। डीसीपी एसीपी भी इलाके में पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया। ये घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास की बताई जा रही है। थाना कर्नलगंज के रेलवैया कॉलोनी में दो पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया है। छोटे लोगों से बात होने के बाद लखनऊ में फर्जी ट्रेडिंग कंपनी खोलकर ठगी करने वाले ठगों को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर ठगों ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। आपको बता दें, इनमें से पकड़े गए इनामी ठग की तलाश पुलिस काफी समय से कर रही थी। पुलिस इनामी ठग के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है। कल रात 9:30 बजे 18 जून को गाजीपुर थाने द्वारा रुखसार अहमद को पकड़ा गया है, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। यह मूलतः टांडा थाना जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। ये कुल 22 मुकदमे गाजीपुर थाने से और एक मुकदमा इंदिरा नगर थाने से, इन सभी में वांछित चल रहा था। यह 20,000 का इनामिया है। इसने जो है शालीमार एलडी प्लाजा चतुर्थ तल भूतनाथ मार्केट इंदिरा नगर में उम्मीद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कंपनी खोली थी, जिसमें ये जनता को बेवकूफ बना के उनसे पैसे लेता था और उनकी निवेश की पूंजी का 35-40% प्रतिमाह लाभ व मूलधन की वापसी की इच्छा पर एक सप्ताह के अंदर निवेश के
मैनपुरी के किश्ती थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान फायरिंग की आवाज को सुनकर कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले का खुलासा करने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। एक किसनी में एक कल शाम को सूचना मिली थी, जिस पोस्ट मौके पर रवाना भी हुआ, सारे अधिकारी भी पहुंचे थे मौके पर। उपदेश रमनेश करके दो भाई हैं, जो सगे भाई हैं, दोनों के बीच में उपदेश शराबी पीड़ित का है, शराब पी करके आया था और दोनों भाइयों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था। विवाद काफ़ी देर तक चला, विवाद में ही गोली चली। गोली जो है रमनेश के सर में लगी है और कैसे गोली चली अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो इस बिंदु पर हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है विस्तृत। शाहजहांपुर के कलान कस्बा में व्यापारी लाखों की ठगी का शिकार हो गया। आपको बता दें, शातिर ठग 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने ठगों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। घटना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदार ने ठगी होने की तहरीर पुलिस में दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ठगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कल आए थे मेरे पास, वो उन्होंने सिक्के बताए, मैंने सिक्के देखे, फिर दो सिक्के लेके जांच कराई, सही पाए गए। फिर उसके बाद मेरी उनकी बात हो गई, पैसों टको, मैंने उन्हें 6 लाख रुपए दे दिए। देने के बाद उन्होंने कहा मुझे गाड़ी तक छोड़ दो, मैंने गाड़ी तक छोड़ दियो। उसके बाद वापस आए, मैंने कहा इन्हें चेक करा लें, शराबे में चेक कराए, वो नकली पाए गए। नकली पाने के बाद मेरे एक धड़ाका बोला, फिर उसके बाद वो आरोपी पता नहीं। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता युवक का शव रेहंद डैम के किनारे से बरामद हुआ। रेहंद डैम किनारे के पास से शव बरामद होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट काफी समय से पुलिस में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।